पोलाइटी में आपका स्वागत है। हम आपको ले चले हैं दशहरा महोत्सव की ओर, ललितपुर के दिग्गज दो ठीक रमेश खटीक, राजा गुड्डू राजा, जो आज दशहरा मिलन समारोह मनाने जा रहे हैं डोंगरा खुर्द, जहां पर आयोजन के तहत अनेक प्रकार की आयोजन की रूपरेखा को बनाया गया है। सैकड़ों वाहन आप देख सकते हैं काफले के साथ दोनों महानुभावों के नेतृत्व में चल रहे हैं, और इनका भव्य स्वागत गजेंद्र सिंह बुंदेला हैट्रिक प्रधान ने अपने साथियों के साथ किया है। जे स्वागत की क्रम सिलसिला अनवरत ललितपुर से चली आ रही है, जो अनवरत चलेगी। हम इतना ही जानना चाहते हैं, ललितपुर की जनता और इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि इस दशहरा आयोजन, जो दशहरा विजयदशमी का प्रतीक है, लेकिन इन दोनों महानुभावों का मिलन किस बात का प्रतीक है, हम जानना चाहेंगे गुड्डू राजा से। हमारे चुनगी साहब, जो आप लोगों ने बताया मिलन का, ये हमारा एक ही परिवार है, और हम लोग अभी से नहीं है 40 साल से हमारा परिवार एक दूसरे का जुड़ा हुआ है। सुख दुख के हम लोग साथी हैं, हमारा परिवार एक दूसरे से एक ही परिवार है, कोई अलग अलग नहीं। खटीक जी और बुंदेला परिवार अलग नहीं है, पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं, क्या नहीं बना लेते हैं, किस परिस्थिति में बना लेते हैं, वो गलत फहमी रहती है, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। और हम लोग जिले की जनता के लिए समर्पित हैं, उनकी सेवा के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और उनके साथ हमेशा सुख दुख में हम लोग खड़े हैं। जैसा कि गुड्डू राजा ने बताया कि गुड्डू राजा ठीक हैं, तो ठीक का अर्थ है रमेश खटीक, तो रमेश खटीक जी भी आपको बताएंगे दशहरा मिलन समारोह का आधार। देखिए, गुड्डू राजा और आदरणीय सुजान सिंह बुंदेला, हम लोग जब कुछ नहीं थे तब से उनके साथ हैं, और जब लोग कहते थे कि दाऊ को हलवा खा गए ठलुआ, तो उनमें हम भी आते ऐसे में, इसलिए हम लोग पारिवारिक हैं और पारिवारिक रहेंगे। इसी तरह ललितपुर लाइव टीवी से बने रहिए, जे काफला जे दशहरा समारोह ललितपुर के लाइव टीवी के माध्यम से, झलकियों के माध्यम से देखते रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में आप सुरक्षा के बीच में दोनों महानुभाव चल रहे हैं और दशहरा मैदान पहुंच रहे हैं, आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जनपद के मुख्यालय से दूरी पर डोंगरा खुर्द, जहां पर दशहरा मिलन समारोह मनाया जा रहा है, और इस आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए अभिषेक सिंह बुंदेला दीपू राजा, जो हमारे स्वर्गीय कीर्ति से एक दीवान साहब, हमारे जो राजा भैया कहलाते थे भानु प्रताप जी, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने भाईचारा एकता को समावेश करने के लिए, भाईचारा एकता को कायम करने के लिए आज इस गांव की नगरी में मिट्टी में आज ललितपुर मुख्यालय के दिग्गज नेताओं को, राजनेताओं को, समाज सेवियों को बुलाया है, गुड्डू राजा एवं रमेश खटीक। गुड्डू राजा रमेश खटीक कहें तो राजा गुड्डू हुए हैं और रमेश ठीक हुए हैं, तो यह आयोजन के अंतर्गत देखने में ये आ रहा है कि ठीक रमेश खटीक हुए हैं और रमेश खटीक राजा हुए हैं। इस आयोजन को एकता और भाईचारा की मिसाल देकर अभिषेक प्रताप सिंह बुंदेला दीपू राजा ने अपनी टीम के साथ आयोजन में चार चांद लगाए हैं और दशहरा मिलन समारोह मनाया है। लेकिन क्यों मनाया है, किस लिए मनाया है, हम आज दीपू राजा आयोजक से ही बात करते हैं। आयोजन क्यों, किस उद्देश्य को लेकर मनाया जा रहा है? सारे भाईचारे के लिए, सब एकत्र हैं, सब लोग एकत्र हैं, यही हमारी सबसे अनुरोध है। और पूर्वजों ने